मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने पुरानी मूवियां देखी होंगी, और उन मूवियों में आप लोग देखते थे कि कुछ नेता हुआ करते थे, और आपने देखा होगा कि कुछ गुंडे हुआ करते थे, अपराधी हुआ करते थे, जो हत्याएं करते थे, जो आप देखिए बलात्कार करते थे, डकैती डालते थे। और उन आप देखिए कि अपराधियों का काम हुआ करता था नेताओं को चुनाव जिताना, बूथ कैप्चरिंग करना, या फिर जबरदस्ती वोट डालना, या फिर आप देखिए कि उनका काम होता है कि लोगों को वोट डालने से रोकना। और यही होता है कि आगे चल के वही गुंडे राजनीति में एक तरह से एंट्री ले लेते हैं, और वो भी चुनाव लड़ने लगते हैं। उनके दिमाग में एक सवाल आने लगता है कि क्या हम अगर दूसरे को चुनाव जिता सकते हैं तो हम भी तो चुनाव जीत सकते हैं। और आज भारत की विडंबना देख लीजिए आप लोग, कि अगर आपके क्षेत्र में कोई ईमानदार प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, और एक हत्यारा जिस पर आप देखिए अपराधी जिस पर कई मुकदमे दायर हैं, अगर वो चुनाव लड़ रहा है, तो दोनों के जीतने के चांस की बात करें तो आप देखेंगे कि स्वाभाविक सी बात है, अभी की बात कर रहा हूं इस भारत की, तो अभी वो अपराधी आराम से चुनाव जीत जाता है, और वो ईमानदार जो आपके लिए एक तरह से लड़ रहा हो वो चुनाव हार जाता है। इसे ही आप लोग राजनीति के अपराधीकरण या राजनीति का अपराधीकरण के नाम से जानते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, और वैसे भी भारत में रह रहे हैं तो मेरा मानना है कि कम से कम भारत की राजनीति के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। हाल ही में आप कहेंगे कि ये टॉपिक चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में क्या हुआ है कि हमारे जो उच्चतम न्यायालय है इसने क्या कहा है। हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या केंद्र सरकार अपराधों के दोषी लोगों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के पक्ष में है। ये हमारे उच्चतम न्यायालय ने कहा है, किससे? केंद्र सरकार से। और आप देखिए कि सरकारों में कोई भी पार्टी उठा के देख लीजिए आप लोग, अपराधी हर पार्टी में आपको देखने को मिलेंगे। और सरकार ने यह तर्क देते हुए विचार को खारिज कर दिया है कि सांसद और विधायक किसी विशिष्ट सेवा शर्तों में प्रतिबंधित नहीं होते हैं, और अतः किसी अपराध में दोषी व्यक्ति को चुनाव लड़ने या किसी राजनीतिक दल के पदाधिकारी बनने पर आजीवन प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। यानी कि सत्ता पक्ष हो या आप देखिए विपक्ष हो या ये पार्टियां हो, ये कभी नहीं चाहती कि इस तरह का कोई नियम आए कि अपराधियों को चुनाव लड़ने से या मुख्यमंत्री बनने से या कोई पद धारण करने से रोका जाए। आप देखिए, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप पर कोई एक FIR हो जाए तो आप देखते हैं कि परीक्षा में भी नहीं बैठ सकते हैं आप लोग। और दूसरी तरफ आप लोग अपनी राजनीतिक व्यवस्था में देख लीजिए, कई उदाहरण आपको देश में मिल जाएंगे जिस पर कई एक तरह से आप देखिए कि हत्याओं के मामले दर्ज हो, बहुत सारे इस तरह के संगीन आप देखिए कि अपराध उसने किए हुए हैं, वो मुख्यमंत्री के पद पर पहुंच जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की व्यवस्था क्यों, इस व्यवस्था के जिम्मेदार कौन है। और सरकार ने यह भी कहा है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत सजा की अवधि तथा सजा के उपरांत 6 वर्ष तक की अयोग्यता प्रतिनिधियों के लिए पर्याप्त दंड है। आप देखिए कि किसी अगर व्यक्ति को इसके तहत अगर सजा मिल जाती है और उसके आप देखिए कि 6 वर्ष तक वो चुनाव ना लड़ पाए, तो वो अपने परिवार को चुनाव लड़वा देता है। और सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सांसदों विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए मजिस्ट्रियल कोर्ट ना बनाकर ऐसे मामलों को केवल सत्र न्यायालयों में ही के क्षेत्राधिकार में रखकर उच्चतम न्यायालय के निर्णय की गलत व्याख्या की हुई है। अब अगर हम लोग राजनीति के अपराधीकरण के कारण की बात करें तो आप लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि यानी कि जीतने की सबसे ज्यादा संभावना किसकी रहती है। सफलता दर की बात करें तो राजनीतिक दल उम्मीदवारों को उनकी जीत की क्षमता के आधार पर टिकट देते हैं, और लोकसभा 2019 में अगर घोषित आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों के जीतने की संभावना की बात करें तो 15.5% है, जबकि जो साफ सुथरी पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के लिए महज 4.7% है। तो आप समझ सकते हैं कि इसीलिए राजनीतिक पार्टियां इस तरह के लोगों को टिकट देती है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए चुनाव में धनबल तथा बाहुबल का प्रयोग होता है। आपके देश में देख लीजिए, अगर आप लोग छोटे से छोटा चुनाव लड़ रहे हैं तब भी आपको पैसा खर्च करना पड़ता है, आपको एक तरह से आप देखिए बाहुबल यानी कि आप देखिए कि आपको गुंडागर्दी या अपराधी प्रवृत्ति रखनी पड़ती है।
चुनाव में धनबल तथा बाहुबल के उपयोग से जीत की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के पास अक्सर बड़ी मात्रा में धनबल होता है जो चुनाव में उनकी जीत सुनिश्चित करने में सहायक होता है। और तीसरा इसमें कारण है आपका ADR वेबसाइट के अनुसार 2019 में विश्लेषण किए गए 539 उम्मीदवारों में से 43% ने अपने विरुद्ध आपराधिक मामलों की पुष्टि की है। अगर हम लोग 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस दौरान 542 सांसदों में से 145 यानी कि 34% सांसदों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की पुष्टि की थी, जबकि 2009 में अगर हम लोग बात करें तो ये 30% थे। यानी कि लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी कि लगातार आप देखिए कि आपके लोकसभा सदस्यों ये इसमें आप देखिए अपराधियों की संख्या बढ़ती जा रही है और यही हाल आपका विधानसभा में है, ठीक है। और इसमें एक और कारण आप लोग लिख सकते हैं, देखिए अगर राजनीति में अपराधीकरण की बात होती है और इसके कारण पूछे जाते हैं तो इन सभी को आप लोग वहां लिख भी सकते हैं। भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही, लाल फीताशाही तथा सरकार व प्रशासन में भ्रष्टाचार की समस्या के कारण नौकरशाहों, राजनेताओं, पुलिस अधिकारियों और अपराधियों तथा कॉरपोरेट के बीच एक गठजोड़ विकसित हो चुका है और यह गठजोड़ आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को राजनीति में प्रवेश करने में सहायता करता है। ये भी आप लोग उसमें लिख सकते हैं। एक और आप लिख सकते हैं कि विधि के शासन की कमजोरी तथा वोट बैंक की राजनीति, विधि के शासन की कमजोरी ने पुलिस और नौकरशाही पर लोगों के विश्वास को कम कर दिया है। और याद रखिए इसमें देखिए किसी राजनीतिक पार्टी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी कि आम आदमी एक तरह से है, जनता है, वोटर है। जाति और धर्म आदि के आधार पर सामाजिक विभाजन और सामाजिक तनाव के मामलों में अधिकारियों द्वारा त्वरित कार्यवाही की असमर्थता से लोगों का लोकतांत्रिक संस्था के प्रति विश्वास में कमी होती। और आपने देखा होगा कि आपका जो लोकतांत्रिक सूचकांक आता रहता है, डेमोक्रेसी इंडेक्स आता रहता है, उसमें हमारी स्थिति बुरी बनी हुई है। और इसमें वोट बैंक संप्रदाय आधारित, जाति आधारित की राजनीति करने वाले उम्मीदवारों की लोकप्रियता बढ़ती है और उनके निर्वाचन का मार्ग आसान हो जाता है। पार्टी में लोकतंत्र का अभाव, भारत में पार्टी में लोकतंत्र की कमी है और शीर्ष नेतृत्व चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर निर्णय लेता है और इस प्रकार आपराधिक रिकॉर्ड वाले राजनेता जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और पार्टी के संगठन की प्रक्रिया से परे हो जाते हैं। जो ईमानदार होते हैं, जो जमीन से जुड़े रहते हैं, वो हट जाते हैं। और आप देखिए हर पार्टी को आप देखिए एक ही दो नेता चलाते हैं, किसी भी पार्टी को उठा के देख लीजिए आराम से आप लोग। इसमें एक कारण और यह है कि दो सिद्धि दर में कमी, भारत में आपराधिक रिकॉर्ड वाले सांसदों और विधायकों की दो सिद्धि दर अत्यंत निम्न रही है और दो सिद्धि का निम्न स्तर तथा न्याय में विलंब के कारण कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो पाती है और राजनीतिक दल आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को टिकट दे देते हैं। कुछ समय पहले आप लोगों ने उत्तर प्रदेश की एक घटना के बारे में सुना होगा, लखीमपुर खीरी के, और आपने देखा होगा कि उसमें किस तरह से किसानों को कुचला गया। उसके बाद आप देखिए कि उसे मंत्री को बचाने के लिए कितने तरह के षड्यंत्र रचे गए, लेकिन आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने, हर न्यायालय ने हस्तक्षेप किया उसमें और फिर भी आप देखिए कि मंत्री जो उसने कई बार आप देखिए किसानों को एक तरह से आप देखिए कि उन्हें दबाने की या उन्हें आप कह सकिए कि देखिए भड़काने की, उन्होंने मतलब कई इंटरव्यू में आपने देखा होगा वीडियो वायरल भी हुए, फिर भी आपने देखा है मंत्री पर कोई चार्ज भी नहीं लगा, उसे आप देखिए कि एक तरह से निर्दोष बता दिया गया। तो ये हाल है हमारे देश की राजनीति व्यवस्था का। चुनाव आयोग की अक्षमता, चुनाव आयोग नामांकन पत्र दाखिल करने वाले उम्मीदवारों से संपत्ति का विवरण, अदालतों में लंबित मामलों और शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवारों के चुनावी खर्च के बारे में भी पूछता है और यद्यपि उम्मीदवार कई बार गलत जानकारी देते हैं परंतु चुनाव आयोग गलत जानकारी देने पर इनके विरुद्ध किसी कार्यवाही को करने में असमर्थ होता है। इसका एक और उदाहरण देते हैं चुनाव आयोग के एक तरह से अक्षमता का। आप देखिए कि अभी कोरोना महामारी बनी हुई है और इसको लेकर आपने देखा नई गाइडलाइन जारी की हुई है चुनाव आयोग ने, जो चुनाव आपके होने वाले हैं, इसमें आपने देखा है कि लोगों को इकट्ठा होने से रोका गया। आपने देखा होगा कि शादियां हो रही तो उसमें कहा जा रहा है कि 150 व्यक्तियों से ज्यादा आप लोग नहीं बुला सकते या आप लोग इतने भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए नेताओं की भीड़, नेताओं को भी रोका गया है लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। चुनाव आयोग देखकर एक तरह से बैठे बैठे तमाशा देखा जा रहा है। तो ये भी एक कारण है हमारे देश में। अब देखिए राजनीति में अगर अपराधी आ जाते हैं तो इसका प्रभाव भी तो आपको देखने को मिलेगा, आप सभी जानते हैं। तो राजनीति के अगर हम लोग अपराधीकरण के प्रभाव की बात करें
तो लोकतंत्र की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की उपस्थिति संसद और राज्य विधानसभाओं के विधि निर्माण की शक्ति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे और यह लोकतंत्र पर सैन की तरह है और यह लोकतंत्र की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अब आप देखिए कि बलात्कारी, हत्यारे, डकैत अगर लोकसभा राज्यसभा में जाते हैं या आप देखिए विधानसभा विधान परिषद में जाते हैं तो वो आप देखिए कि अपने हिसाब से ही कानून बनाएंगे, तो उस पर भी आप लोगों को एक तरह से फर्क दिखेगा, प्रभाव देखेगा। और लोकतंत्र जिसे आप लोग लोकतंत्र कहते हैं, और हम तो आप देखते हैं कि हमारा देश तो और सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का एक तरह से दम भरता है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। न्याय प्रक्रिया में बाधक, राजनीतिक अपराधीकरण न्याय की प्रक्रिया में बाधा डालता है और मामलों के निस्तारण में विलंब का कारण बनता है। अपराधी सत्ता में आने के बाद इसका दुरुपयोग करते हैं और अपने द्वारा किए गए अपराधों से स्वयं को मुक्त करा लेते हैं। और मुझे लगता है कि नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग कई राज्यों के इस तरह के मामले देखे भी होंगे कि उन्होंने अपने ही केस वापसी ले लिए। और आप देखिए सत्ता में जो व्यक्ति आ जाएगा तो आप देखिए उसी के हिसाब से वो सत्ता चलेगी और वो जैसा कहेगा वहां के अधिकारी हो या जो भी व्यवस्था हो वो उसी के हिसाब से चलती है। भ्रष्टाचार में वृद्धि, राजनीतिक अपराधीकरण से सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है और इससे अपराधी, राजनेता और नौकरशाही का गठजोड़ प्रभावी होता है और इन समस्त कारकों से राज्य की संस्थाओं और यथा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप सोचिए कि आप किसी कोई भी चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आप लोग एक लाख रुपए वहां खर्च करते हैं तो आप देखिए कि आप लोग कम से कम उसका 2 से 4 गुना कमाएंगे, ये स्वाभाविक सी बात है। और भ्रष्टाचार करेंगे आप लोग तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। समाज में हिंसा को बढ़ावा, राजनीति का अपराधीकरण समाज में हिंसा का प्रसार करता है यानी कि बढ़ावा। उदाहरणतः पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा के स्तर से राज्य के युवाओं पर बुरा प्रभाव पड़ा था। चुनाव में धन बल वृद्धि, राजनीति का अपराधीकरण चुनाव प्रक्रिया में अवैध धन के प्रवाह को बढ़ावा देता है और इससे जनता तथा राष्ट्र की सुरक्षा नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। अब आप सोचिए कि आपका विरोधी अगर 2 रुपया, मतलब आप सोच लीजिए कोई भी पैसा लगा लीजिए, अगर 100 रुपये खर्च कर रहा है तो आप लोग 200 करेंगे। अब 100-200 की बात नहीं है, उदाहरण दे रहा हूं, अब तो लाखों की बात चलती है, तो ये भी देखे जाते हैं। अब आप देखिए कि इसके राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के कुछ उपाय भी हैं, इन्हें भी देख लीजिए। आप लोग आंसर राइटिंग करेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोग बेहतर इन्हें लिख पाएंगे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125A निर्वाचन आचरण नियम 1961 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि फॉर्म 26 में जानकारी छिपाने या गलत जानकारी प्रदान करने के लिए अधिनियम में संशोधन कर सजा को और कठोर करना चाहिए। और मुझे लगता है कि उनकी बिल्कुल आजीवन उन्हें उनके परिवार को चुनाव लड़ने से रोक देना चाहिए। मैं अपनी बता रहा, अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं, तो कम से कम क्या होगा कि अगर एक पर किसी पर इस तरह का प्रभाव देखा जाएगा तो आप देखिए दूसरा भी करने से डरेगा। अब आप सोच लीजिए कि उत्तर प्रदेश में सभी चुनाव हैं तो आपने देखा है कि भीड़ इकट्ठी की जा रही है, और अगर किसी विधायक पर आपने देखा होगा कि अगर चुनाव लड़ने से मना कर दिया जाता चुनाव आयोग के द्वारा या कोई कानून बनाकर, तो आप देखिए सभी विधायक जो भी उम्मीदवार होंगे वो चुनाव लड़ने में लड़ते लेकिन इन सभी पाबंदियों को मानते भी। विधि आयोग की 244वीं रिपोर्ट में राजनीतिक अपराधीकरण को रोकने के लिए कुछ अनुशंसाएं भी की गई हैं। एक मौजूदा सांसद विधायक के विरुद्ध किसी मुकदमे का निस्तारण 1 वर्ष में हो जाना चाहिए। 5 वर्ष से अधिक सजा वाले लंबित अपराधी आरोप वाले सांसद विधायकों को कुछ सुरक्षा उपायों के अधीन आयोग घोषित किया जा सकता है। धारा 125A के तहत झूठा हल्फनामा दाखिल करने पर 2 साल की सजा का प्रावधान होना चाहिए। ये आपकी विधि आयोग की जो 244वीं रिपोर्ट थी ना, उसने एक तरह से अनुशंसाएं की हुई थी, सिफारिशें की हुई थी, लेकिन इन सिफारिशों को मानेगा कौन, समझ रहे हैं आप लोग। और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसाएं भी है कुछ। जघन्य अपराध और अपराधों और भ्रष्टाचार से संबंधित आरोपों का सामना कर रहे उम्मीदवारों को आरोग्य घोषित करने के लिए लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 में संशोधित करने की सिफारिश की थी, लेकिन संशोधन कौन करेगा। चुनाव प्रचार के वित्त पोषण में और अधिक पारदर्शिता रखने की आवश्यकता है, इससे राजनीतिक दल अपराधियों को सम्मिलित करने में हतोत्साहित होंगे। और इसमें उच्चतम न्यायालय के कुछ निर्णय हैं, इन्हें भी देख लीजिए आप लोग।
यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड एनआर केस 2002 में। इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि प्रत्येक उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता के साथ अपने आपराधिक और वित्तीय रिकॉर्ड घोषित करने होंगे। रमेश दलाल बनाम भारत संघ मामला 2005। इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि एक मौजूदा संसद सदस्य या राज्य विधानसभा के किसी भी सदस्य को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए 2 वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान हो। लेवी थॉमस बनाम भारत संघ मामला ये 2013 का है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(4) को असंवैधानिक घोषित किया और यह धारा दोषी विधायकों और सांसदों को तब तक पद पर बने रहने की अनुमति देती जब तक कि उनके विरुद्ध की गई अपील का निस्तारण ना हो। और इसके विधायक और सांसदों की दोष सिद्धि 2 या 2 से अधिक वर्षों की सजा पर उन्हें अयोग्य घोषित किया जाने लगा। और हालांकि 2017 में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि अपीलीय अदालत दोष सिद्धि पर रोक लगाती है तो उस स्थिति में विधायकों और सांसदों को पद पर बने रहने की अनुमति दी जाएगी। आगे की क्या राय हो सकती है तो इन्हें भी आप लोग देख लीजिए। राजनीति के अपराधीकरण तथा भ्रष्टाचार से लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होती हैं और आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों तथा समर्थन देने वाले राजनीतिक दलों के बारे में प्रचार प्रसार कर जनता को जागरूक करना होगा। और राजनीतिक दलों के अभियान के वित्त पोषण में अधिक पारदर्शिता लाने की आवश्यकता है और राजनीतिक दलों को उनकी पारदर्शिता और जवाबदेही पर सुधार के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में लाना चाहिए। संसद को राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण के निस्तारण के लिए विधि का निर्माण करना चाहिए तथा न्यायालय को अपनी न्याय प्रक्रिया को और अधिक तीव्र करने की आवश्यकता है। और इसके साथ ही विधि आयोग, चुनाव आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार रिपोर्ट के अनुशंसाओं तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को लागू करना चाहिए। तो ये कहानी है आपकी राजनीति में अपराधीकरण की। और मैंने पहले भी आपसे बोला है कि इसके लिए हम लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितनी कि वो राजनीतिक पार्टियां हैं। हम आप भी तो यही करते हैं। हम लोग ईमानदार को ना चुनकर, वो जो पैसा ना खर्च करने की स्थिति में हो लेकिन ईमानदार है, हम लोग उसे वोट ही नहीं देते। हम लोग इस तरह के अपराधियों को वोट देते हैं और उसी से अपराधियों का मनोबल और बढ़ रहा है और अपराधी राजनीति में भाग ले रहे हैं। और उसका परिणाम देखिए, भारत भुगत भी रहा है, भारत का जो लोकतंत्र है ये भी भुगत रहा है। तो ये कहानी है राजनीति के अपराधीकरण की। और इससे संबंधित आपके क्वेश्चंस आपकी मुख्य परीक्षा में आते रहते हैं, स्टेट पीसीएस हो, सिविल सर्विस हो, और वैसे भी हमारे देश की राजनीति है तो आपको वैसे भी मालूम होना चाहिए। चलिए एंजॉय करिए आप लोग। और मैं तो पहले भी कहा है कि जब तक जनता जागरूक नहीं होती है कुछ बदलने वाला नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कितने भी आप लोग नियम ले आइए, कोई भी योजना लाइए, कुछ भी करते रहिए, जनता को जागरूक करने से क्या होगा कि अगर जनता एक क्षेत्र में भी अगर ऐसा करता है कि किसी अपराधी को ना चुनकर उसे चुनाव हरवा दिया जाता है तो अगली बार आप देखिए यही राजनीतिक पार्टियां ईमानदार उम्मीदवारों की एक तरह से क्या छानबीन करने लगेंगी और उन्हें ही चुनाव में उतारेंगे। समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। बाकी राम भरोसे छोड़ दीजिए।